के जीवन में कभी भूल ही ना हो, आध्यात्मिक हो या भौतिक जगत हो, उसमें कभी व्यक्ति भूल ही ना करे, क्या संभव है? क्या जो व्यक्ति भूल नहीं करता है वो बहुत सारी उपलब्धियां प्राप्त कर लेता है, या जो व्यक्ति भूले करता है वो व्यक्ति उपलब्धियां नहीं कर पाता है, क्या वो उनसे वंचित रह जाता है? मित्रों, कई बार हमारे मन में इस प्रकार के प्रश्न आते हैं और कई लोग कुछ कार्यों को इसलिए नहीं कर पाते हैं कि उन्हें ये डर रहता है कि कहीं कोई गलती ना हो जाए, कहीं हम कोई भूल ना कर बैठे। इसलिए चाहे वो भौतिक जगत हो, आदमी अपने जीने का तरीका सही तरीके से नहीं कर पाता है, या फिर वो आध्यात्मिक जगत हो तो आध्यात्मिक जगत में भी हम कोई गलती ना हो जाए, पूजा पाठ में कोई हमसे भूल ना हो जाए, इसके कारण से हम उस ओर आगे बढ़ नहीं पाते हैं। यदि हम ऐसा सोचेंगे कि हमारे जीवन में कोई भूल ना हो तो फिर आप जी ना सकेंगे, ना ही आप कोई पूजा पाठ कर सकेंगे। गलतियां और भूल सिर्फ मर्दों से नहीं होती है, इंसान से हमेशा भूल होती है, इंसान से हमेशा गलतियां होती हैं। लेकिन हां, वो गलतियां दोबारा ना हो। यदि आप उन गलतियों को दोबारा करते हैं तो फिर वो आपकी गलती मानी जाती है, तो वो आपकी भूल मानी जाती है। इसलिए भूल से ही व्यक्ति आगे सीखता है। जो व्यक्ति कभी भूल ही नहीं करता वो व्यक्ति आगे को सीख नहीं सकता है, जो व्यक्ति ये गलतियां नहीं करता वो व्यक्ति कभी आगे सीख नहीं सकता है। बड़े प्यारे दो प्रसंग हैं, दो कथाएं हैं। इसके पहले भी कुछ कथा हमने आपको, एक कथा आपको पहले सुनाई होगी, लेकिन आज के इस प्रसंग में जो हम आपको बताने के लिए जा रहे हैं, ये दोनों कथाएं, ये दोनों प्रसंग, ये दोनों कहानियां एकदम सटीक बैठती हैं। यदि आप इनको सही तरीके से, इन कहानियों के सूत्रों के यदि आप अपने जीवन में अपना लेंगे तो आप भौतिक जगत में और आध्यात्मिक जगत में दोनों में काफी आगे उन्नति कर सकते हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, नमस्कार। मैं आचार्य पंडित गिरीश वारुनिया। मित्रों, बहुत हजारों वर्ष पुरानी एक कथा है कि एक किसान ने भगवान से शिकायत की कि या तो तुझे आता नहीं है कि किसानी कैसे की जाए, क्योंकि जो भी काम करता है तू सब उल्टे करता है, ऐसा लगता है कि तुझे किसानी आती ही नहीं है। मैं बरसों से किसानी कर रहा हूं लेकिन तू इतनी गलतियां कर देता है कि फसल ठीक से हो नहीं पाती है। हो सकता है शायद उस समय परमात्मा लोगों के काफी निकट रहता हो, लोगों की बातें भी सुनता हो, तो उस किसान की भी बातें ईश्वर ने सुन ली और ईश्वर ने उसे बोला कि ठीक है, एक काम कर, मैं एक साल का तुझे समय देता हूं, इस वर्ष की जो फसल है तू अपने हिसाब से कर, जब तुझे पानी चाहिए तब पानी देना, जब धूप चाहिए तब धूप देना। वो किसान बड़ा प्रसन्न हुआ कि ना अब टिड्डियां आएंगी, ना बाढ़ आएगी, ना जो फसलें बारिश के कारण बह जाती थी या ज्यादा पानी होने के कारण जो सड़ जाती थी, या जो पानी कम होने के कारण जो है वो सूख जाती थी, अब वैसा नहीं होगा। उसने भगवान का चैलेंज एक्सेप्ट किया और उसने किसानी चालू की। जितने पानी की जरूरत थी उतना पानी दिया, जितनी धूप की जरूरत थी उतनी धूप दी,
समय समय पर जिस चीज की आवश्यकता हुई वो आवश्यकता पूर्ति करते गया। अब जब फसल लहलाने लगी और जब काटने का समय आया तो पूरे गांव को इकट्ठा करके जब वो गया और भगवान से बोला कि देख इस प्रकार से फसल पैदा की जाती है, तू कुछ जानता नहीं है, तू हमेशा गलतियां करता है। लेकिन जैसी फसल काटने को हुआ तो उसने देखा कि बालियां तो बहुत बड़ी हैं लेकिन उसमें गेहूं के दाने नहीं हैं। अब उसे बड़ा आश्चर्य हुआ, उसने पुनः परमात्मा से पूछा कि भैया क्या बात है, तो दाने क्यों नहीं है, फसल बहुत ऊंची है, बड़ी बड़ी बालियां हैं लेकिन इसमें गेहूं तो है ही नहीं। सुनते हैं परमात्मा मुस्कुराया और उसने बोला कि व्यक्ति के जीवन में जब तक संघर्ष नहीं होगा, जब तक वो भूले नहीं करेगा, जब तक वो गलतियां नहीं करेगा, तब तक उसके अंदर प्राण नहीं आ सकते। जब किसान फसल बोता है तो उसको कई तफेड़ों का सामना करना पड़ता है। हम अपने जीवन जीते यदि आप कल्पना करें कि व्यक्ति का जीवन एकदम सरल हो जाए, जीवन में कभी कोई कठिनाई ना आए, कभी बीमार ना हो, कभी घर में किसी की मृत्यु ना हो, कभी कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, सब जगह प्रेम ही प्रेम हो, तो क्या व्यक्ति जी सकता है? वो गोबर का गणेश बन जाएगा, उसके अंदर प्राण नहीं रह जाएंगे। लेकिन जब हम संघर्ष करते हैं और जब हम थपेड़े अपने जीवन में पाते हैं तब हमें जीवन का सार पता चलता है, तब हमें अच्छी और बुरी चीजों का पता चलता है। यदि आपके जीवन में कभी कोई संघर्ष ना हो, कभी कोई मुसीबत ना हो, तो आपको अच्छे और बुरे लोगों की पहचान भी नहीं होगी। तो जीवन में संघर्ष बहुत जरूरी है। जीवन में जो व्यक्ति गलती करता है वही व्यक्ति आगे बढ़ता है। एक मां के दो बच्चे हैं, एक बच्चा आराम से खिलौने खेल रहा है, वो कभी कोई गलती नहीं करता, वो उसका राजा बेटा है। लेकिन दूसरा बच्चा हाथ काट लेता है, शैतानी करता है, मां तुरंत दौड़ती उसके पास में और फिर उसको अपनी गोदी में बैठाती, उसकी पट्टी करती है। तो जो व्यक्ति गलती करता है उसी का ध्यान भी रखा जाता है, ईश्वर भी उसी का ध्यान रखता है। लेकिन हम क्या काम करते हैं, गलतियों के कारण आगे बढ़ने से रुक जाते हैं। यदि एक छोटा सा बच्चा जब वो चलता है और वो ये सोच करके ना चले कि मैं गिर जाऊंगा, मेरे हाथ पैर टूट जाएंगे, तो फिर वो कभी चलना नहीं सीख सकता, वो हमेशा फिर जीवन भर घुटनों से चलेगा। लेकिन वो प्रयास करता है और जब वो प्रयास करता है तो एक दिन वो दोनों पैरों पर खड़ा हो जाता है और फिर वो दौड़ने भी लगता है। कई बार गलतियां करता है, कई बार भूल जाता है, लुढ़कता है, चोट लगती है, लेकिन इसके बाद वो प्रयास करते रहता है। एडिसन ने बिजली का आविष्कार किया, 3 साल तक वो मेहनत करता रहा लेकिन कोई सफलता नहीं मिल रही थी, लेकिन प्रतिदिन जाता था उसी उत्साह के साथ में जाता था। उसके साथियों ने बोला कि हम 700 गलतियां कर चुके हैं लेकिन इसके बावजूद भी हमें सफलता नहीं मिल रही है। तो उसने बोला कि ऐसा भी हो सकता है कि 1000 दरवाजे के अंदर ये चीज हमें पता हो, हम 700 दरवाजे तो खोल चुके हैं लेकिन अभी 300 बाकी बचे हैं। जहां 700 खोल लिए, जहां 700 गलतियां कर दी, वहां 300 गलती और करके देखते हैं। और फिर चमत्कार हुआ, 6 महीने के अंदर उसने उस चीज का आविष्कार किया। यदि वो भयभीत हो गया होता और उसने उस चीज को वहीं छोड़ दिया होता तो फिर जो है वो इतना बड़ा आविष्कार नहीं कर पाता। महावीर 12 साल तक भटकते रहे, बहुत सारी गलतियां की होंगी उन्होंने साधना में, उपासना में, लेकिन एक दिन ऐसी घटना घटी कि उन्हें ज्ञान प्राप्त हो गया। बुद्ध 6 वर्ष तक भटके, उन्होंने भी कई गलतियां की होंगी लेकिन एक झाड़ के पास बैठे और उनको बोध हो गया, वो सिद्धार्थ से बुद्ध बन गए। ये क्या बात हुई? उसके बाद उनको देखा जाता है, उनके पीछे उन्होंने जो संघर्ष किया है उसको नहीं देखा जाता। चांद पर हम पहुंच गए लेकिन उसके पहले कितने प्रयास हुए, कितनी बार हम लोग असफल हुए,
लेकिन फिर बाद में जब व्यक्ति सफल हो जाता है तो फिर वो असफलता व्यक्ति भूल जाता है, फिर वो असफलताओं का कोई लेखा जोखा नहीं रहता है। इसी प्रकार से जितने भी महान लोग हुए हैं उनके जीवन में भी अनेक असफलताओं का उन्होंने स्वाद चखा होगा, अनेक गलतियां की होंगी, लेकिन उसके बाद जब वो सफल हुए तब फिर वो उनकी संघर्ष की जीवनी किसी को पता नहीं रहती कि उन्होंने कितना संघर्ष किया था, कितनी गलतियां की, कितनी भूलें की। उसके बाद जाकर के वो बुद्ध या महावीर बने, जीजस या रामकृष्ण परमहंस बने। परम पूज्य गुरुदेव के जीवन में भी कई उतार चढ़ाव आए होंगे, उनसे भी कई भूल हुई होंगी, कई गलतियां हुई होंगी, लेकिन उन गलतियों को व्यक्ति भूल जाता है और फिर उसके बाद जो कुछ है, जो आज है, वो समझ में आता है। जो भी बड़े लोग हैं उनके जीवन के यदि संघर्ष देखा जाए तो पता चलेगा आपको कि उनके जीवन में कितना संघर्ष था। कोई भी व्यक्ति अडानी अंबानी ऐसे नहीं बन गया है, उन्होंने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किए हैं, कई भूलें की हैं, कई गलतियां की होंगी, लेकिन उसके पश्चात वो इस मुकाम पर पहुंचे हैं। तो हम सिर्फ ये देखते हैं कि ये इस व्यक्ति इस मुकाम पर है और उसको देख करके यदि हम आगे बढ़ना चाहेंगे तो हम हमेशा असफल होंगे। इसलिए गलतियों से न घबराएं। हाँ, बस ये है, इस चीज का ध्यान रखें कि वो गलती दोबारा ना हो। हम पूजन करते हैं, कई बार होता है कि दीपक बुझ जाता है, हमने गलती से पंखा चालू कर दिया, दीपक बुझ गया, अब हमारे मन में भय आ गया कि अरे ये तो गलती हो गई हमारी। लेकिन आप होश पूर्वक देखें कि आपसे गलती कहां हुई। आपने पंखा चालू कर दिया, आपने देखा नहीं कि दीपक जल रहा है, तो दोबारा फिर वो गलती ना करें। आप साधना कर रहे हैं, किसी दिन आप भूल गए, जल्दी में आप ऑफिस चले गए, फिर बाद में आपको याद आया, तो फिर आप होश पूर्वक सोएं और फिर ये देखें कि ये दोबारा गलती ना हो। तो जो गलती आप दोबारा नहीं करते वो गलती गलती नहीं होती है, वो आपको आगे ले जाती है। लेकिन जो व्यक्ति जानबूझकर गलतियां करता है वो व्यक्ति मूढ़ होता है, वो व्यक्ति की गलती देखी जाती है। लेकिन जो व्यक्ति ये गलती करता है और गलती कर करके समझ जाता है, उसके लिए बड़े साहस की जरूरत होती है। जीजस की एक बहुत प्यारी कथा है, बहुत प्यारी कहानी है कि एक जमींदार के दो बेटे थे। एक बेटा बहुत ही संस्कारी था, मंदिर जाता था, पूजा पाठ करता था, खेतों पर पूरा ध्यान रखता था, जब खेती करने जाना खेती करने जाता था, परिवार का पूरा ध्यान रखता था, माता पिता का पूरा ध्यान रखता था। दूसरा जो बेटा था वो शराबी था, जुआनी था, वैश्यावृत्ति करता था और पैसा उड़ाता था। बहुत सोचने के बाद में, बहुत उसको झेलने के बाद में, बड़े लड़के ने पिताजी से बोला कि अब बहुत हो गया, अब मुझसे ये झेला नहीं जाता, आप एक काम करें, बंटवारा कर दें, क्योंकि मैं कमाता हूं और ये खाता है बैठ करके, ये कुछ भी नहीं करता, बल्कि जो मैं कमा कर लाता हूं उसको भी जो है ये सब खत्म कर देता है, ऐसा कब तक चलेगा। पिता ने भी सोच विचार करके दोनों को आधी आधी प्रॉपर्टी बांट दी। बड़ा लड़का और उत्साह के साथ में काम करने लगा, खूब उसने अपनी जमीन बढ़ा ली। छोटे लड़के ने देखा कि गांव में कुछ नहीं रखा है, क्योंकि गांव में गलतियां कितनी करेगा, गांव में गलतियां छोटी होती हैं, शहरों में गलतियां बड़ी होती हैं, तो वो शहर निकल गया। चार पांच साल के बाद में पिता को पता चला कि लड़का जो है, जो भी उसको हमने प्रॉपर्टी दी थी वो सब बेच बाच करके अब भीख मांग रहा है। उसे बड़ा दुख हुआ। और यहां दूसरी तरफ जो बड़ा लड़का था उसने अपनी तरक्की कई गुना ज्यादा कर ली, उस प्रॉपर्टी से उसने और ज्यादा प्रॉपर्टियां बना ली। लेकिन जब पिता को पता चला पुत्र के बारे में कि वो भीख मांग रहा है, तो उसने उसे बोला कि तुम घर वापस आ जाओ, घर में इतने सारे नौकर चाकर हैं, इतना उनको हम पैसा देते हैं, एक व्यक्ति और सही, तुम भी उसमें पल जाओगे, लेकिन यहां भीख मांगने से क्या फायदा। वो लड़का बात मान गया और जब घर आने को हुआ तो पिता ने घर में दिए जलाए, दीपावली जैसा उत्सव मनाया गया, फटाके फोड़ने की व्यवस्था की गई। जिस रास्ते से वो आ रहा था वहां पर बड़े बड़े
स्वागत द्वार बनाए गए, बंधन बार लगाए गए। उसके बड़े लड़के का दोस्त भागा भागा खेत में पहुंचा और उसने बोला कि तुम्हें पता है तुम्हारा भाई आ रहा है सब कुछ लुटा करके, उसके लिए तुम्हारा पिता जो है स्वागत द्वार बना रहा है, बैंड बाजे बजा रहा है, घर में दीपक जला रहा है, इतना प्यार तो कभी तुमसे किया नहीं, तुम इतनी मेहनत करते हो लेकिन तुमसे तो कभी तुम्हारे पिता ने प्यार किया ही नहीं। उसको भी बात लगी, उसको भी बड़ा बुरा लगा, वो दौड़ते हुए घर पहुंचा और पिताजी से बोला कि ये क्या है, ऐसा भेदभाव क्यों, मैंने कभी कोई गलती नहीं की, मैंने हमेशा आपका मान सम्मान किया, आपने जो प्रॉपर्टी दी थी उसको कई गुना मैंने बढ़ाया, लेकिन इसके बाद जो सारी चीजें लुटा करके आ रहा है आप उसका सम्मान कर रहे हैं। तो उसका पिता मुस्कुराया और वो बोला बेटा अपने पास भेड़ है ना, जब तू भेड़ चढ़ाने के लिए जाता है किसी गड़रिये को देखना, जब वो भेड़ों को वापस लेकर के आता और उसे पता चलता है कि एक भेड़ इसमें कम है, तो आधी रात को सारे काम छोड़ करके और उस भेड़ को खोजने के लिए जाता है, और जब वो भेड़ मिल जाती है तो उसको कंधे पर रख करके आता है। बाकी जो भेड़ें हैं जो सही तरीके से चल रही थी, जो कभी घूमे नहीं, उनको कभी उसने कंधे पर नहीं उठाया, लेकिन जो गुम गई उसको वो कंधे पर रख करके लाता है। बोले बेटा ये भटक गया है, ये बहुत दूर चला गया है, इसलिए इसको हमारी जरूरत है, तेरी जरूरत है। तो मित्रों यह कहानी, यह प्रसंग, यह कथा हमें एक ही सूत्र देती है कि जितना ज्यादा जो व्यक्ति भगवान से दूर हो जाता है, भगवान उसको अपने पास निकट लाने का प्रयास करता है, उसको ज्यादा प्यार दुलार करता है। एक व्यक्ति क्लास में हमेशा उत्तीर्ण होता है, दूसरा बच्चा गधा है, एक बच्चा होशियार है, लेकिन शिक्षक जो गधा है उस पर ज्यादा ध्यान देता है क्योंकि उसको पता ये तो निकल जाएगा, लेकिन जो गधा बच्चा बार बार उसको अपने पास बैठा करके उसको सिखाता है। इसी प्रकार से ईश्वर है, जो भटक गया है उसको वो अपने करीब बुलाता है। इसलिए कभी भी अपने जीवन में यदि आप कोई गलतियां करते हैं या कोई भूल हो जाती है तो उससे विचलित ना हो। आप साधना उपासना करते हैं, कोई गलतियां हो जाती हैं, उससे आपको विचलित नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई गलती होगी तो आपने छोड़ दिया सब पूजा पाठ करना। आप अनुष्ठान कर रहे हैं, 5 दिन के बाद आपका अनुष्ठान खंडित हो गया, लेकिन आप जो है दुखी हो गए और आपको लगने लगा कि भगवान जो है हमें श्राप दे देगा, और आप जो है इधर उधर पंडितों के पास पूछने के लिए निकल पड़े और उन्होंने और आपको एक खर्चा बता दिया कि ये पूजा कराओ, वो पूजा कराओ, ये काम करो, वो काम करो, तब आपको जो है पाप से मुक्ति मिलेगी, तो व्यक्ति और ज्यादा भटक जाता है। तो भूलों से हमें सीखना चाहिए, और जो व्यक्ति भूलों से सीखता है, गलतियों से सीखता है, वो परमात्मा के निकट हो जाता है, और फिर वो जो व्यक्ति अपने जीवन में सफल हो पाता है। बगैर संघर्ष के कोई भी जीवन जीवन नहीं होता। इसी प्रकार से अध्यात्म जब हम साधना करते हैं, जब तक उसमें संघर्ष ना हो, जब तक उसमें कठिनाइयां ना हो ना आए। कई लोगों का की शिकायत रहती, गुरुजी जब से हमने पूजा पाठ चालू किया तब से हमारे जीवन में बहुत कठिनाइयां आ रही। इसलिए आ रही है क्योंकि ईश्वर आपको निखारना चाह रहा है, ईश्वर आपको ठोंक पीट करके देखना चाह रहा है। इसलिए परिस्थितियों से कभी भी व्यक्ति को घबराना नहीं चाहिए, और जो व्यक्ति परिस्थितियों से नहीं घबराता है और साहस कर जाता है, वो बुद्ध, महावीर, जीसस, रामकृष्ण परमहंस, परम पूज्य गुरुदेव जैसा व्यक्ति बन जाता है, वो भगवान राम, भगवान कृष्ण बन जाता है। सब आपके अंदर ही है, ईश्वर कहीं बाहर नहीं है, ईश्वर सिर्फ आपके अंदर है, बस आपको साहस करना है और उन गलतियों से आपको विचलित नहीं होना है कि ये गलती हमसे ना हो जाए इसलिए हम साधना नहीं करते। तो इन भय से मुक्त होकर के आप अपने जीवन को जियेंगे और ये सोच के जियेंगे कि जीवन में संघर्ष ना हो तो वो जीवन किस काम का। और जब आप साधना करेंगे तो सोचेंगे कि साधना करते समय यदि अचानक आपको कोई चीज मिल जाए तो आप फिर उस चीज की वैल्यू पता नहीं चलेगी,
अचानक आपको कोई डिग्री दे दे, अचानक आपको कोई बहुत बड़ी उपलब्धि मिल जाए, तो फिर उसकी जो है आपके पास में कोई कीमत नहीं रहती। लेकिन संघर्षों के बाद जो चीज मिलती है उसकी कीमत होती है। तो संघर्षों के बाद में जब आपको ईश्वरीय अनुकंप प्राप्त होती है, तब फिर आपको उसका मूल्य प्राप्त होता है, तब आपको उसको मूल्य समझ में आता है। आशा मित्रों, हम जो आपको बताना चाहते हैं उस चीज को आप निश्चित रूप से प्रसंगों के माध्यम से समझे होंगे और हम भी शायद इसको समझाने में सफल हुए होंगे। आप कमेंट्स के माध्यम से बताएं कि आप हमारी बात से कितने सहमत हैं और आपको हमारी बात कितनी उचित लगी। आज की बात समाप्त। आप सभी के अंदर बैठे परमात्मा को हमारा प्रणाम, हमें आज्ञा दें। नमस्कार, ओम शांति।